शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों के सितारे में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शेट्टी और बाजारों के सितारे में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पर आज का कम्युनिटी बाजार का अपडेट लेकर, शेयर बाजार का अपडेट लेकर और आज का राशिफल लेकर। सबसे पहले चर्चा करेंगे यहां पर आज के राशिफल की और आज का राशिफल जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाजार के जाने माने एस्ट्रो मनी गुरु कर्नल अजय जी। कर्नल अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट एमसीवी पर। सभी दर्शक बंधुओं, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रोमनीगुरु.com एवं मार्केट टाइम्स टीवी के सही प्रयासों से ये प्रचार हो रहा है। आज 2 मार्च 2022। दोस्तों, सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, यानी 4 एलिमेंट्स, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियां 1, 5, 9 मेष, सिंह और धनु राशि निश्चित रूप की तरफ इशारा कर रही हैं। आज विशेष सावधानी रखनी चाहिए आपको 2 से 3 बजे के बीच। 2, 6, 10 ये है पृथ्वी तत्व की राशियां। वृषभ कन्या और मकर राशि आज आपके लिए दिन मुफीद रह सकता है, अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। 3, 7, 11 यानी मिथुन तुला कुंभी यह है वायु तत्व की राशियां निश्चित रूप की तरफ इशारा कर रही हैं, आपको अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यह है जल तत्व की राशियां। दिन आपके लिए आज मुफीद नहीं है, परेशानियां बढ़ सकती हैं, लिए गए निर्णय एक बार पुनः जांच लें। ये अखिलेश जी। जी कर्नल जी, इसी के साथ कर्नल अजय जी बात करें यहां से अगर आप कम्युनिटी बाजार की, तो एग्री कम्युनिटीज में आज देख रहे हैं कि ग्वार कॉम्प्लेक्स में हल्की सी बढ़त देखने को मिली है। आपके अकॉर्डिंग और एस्ट्रो फाइनेंस के मुताबिक आज ग्वार गम ग्वार सीड में कैसा माहौल रह सकता है, तेजी रहेगी या मंदी? देखिए, ग्वार सीड के अंदर जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, क्योंकि ग्वार सीड हमेशा या ग्रीड और पैनिक दोनों क्रिएट करता है, यानी लालच और घबराहट, और जो ये लालच और घबराहट से अपने आप को ऊपर कर लेता है, क्षमताओं के हिसाब से काम करता है, वो ग्वार सीड में हमेशा मुनाफा कमाने की स्थिति में रहते हैं। लेकिन घबराहट के अंदर जल्दी माल बेचना, डबल से माल बेच देना, या लालच करके अपनी क्षमताओं से 4 गुना 10 गुना 20 गुना माल खरीद लेना एनसीडीएक्स में, वो हमेशा गवार के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। क्योंकि गवार सीड एक ऐसी कमोडिटी है, इसके अंदर फंडामेंटल काम करते हैं, लेकिन जब एनसीडीएक्स के ऊपर स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं, तो कोई फंडामेंटल कुछ समय के लिए स्टैंड स्टिल हो जाते हैं और उसमें कार्य नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमेशा से गवार सीड के लिए मैं हमेशा यही कहता हूं, क्षमताओं के आधार पर समझ के काम कर लें। आपको गवार सीड वो पैसा दे सकता है जो दूसरा कोई नहीं दे सकता, लेकिन आपने क्षमताओं से ऊपर काम किया, घबराहट के अंदर डबल से सेल किया, एडवांस में सेल किया, तो आपको परेशानियां बढ़ सकती हैं। और यही चीज ग्रीड में यानी लालच में, आपकी क्षमता 2 लॉट करने की है, 20 टन माल लेने की है, आपने 200 टन माल ले रखा है, 2000 टन माल ले रखा है, 20000 टन माल ले रखा है, क्षमता है नहीं, ऐसी स्थिति के अंदर जरी सी मार्केट में गिरावट आएगी तो आप निश्चित रूप से माने उस टाइम परेशानी होगी। और एक चीज और मैं दर्शकों को अखिलेश जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, व्यापार है स्ट्रेस का, और जो व्यापारी स्ट्रेस नहीं झेल सकता वो निश्चित रूप से व्यापारी तो नहीं हो सकता। व्यापार के अंदर हमेशा स्ट्रेस के बगैर कोई व्यापार हो नहीं सकता, और जिसको स्ट्रेस नहीं चाहिए वो अपना नहीं करे, वो ट्रेड नहीं करे, उतार चढ़ाव तो आएंगे। तो आज मैं आपके माध्यम से ये कह सकता हूं कि गवार सीड के अंदर मुझे कमजोरी की संभावना नजर नहीं आ रही है। आज इंटरडे के अंदर अच्छी आज मूवमेंट ठीक बनती है, और आगे भी जो लोग को रोक सकते हैं ताकत के हिसाब से वो जरूर रोक के रखें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनके पास क्षमता नहीं है वो गवार सीट से बाहर निकल जाए, क्योंकि गवार सीट हमेशा ऊपर और नीचे दोनों तरफ लोगों को लेके जाता है, और जो स्ट्रेस झेल लेता है, क्षमता लेता है, वो गवार के अंदर सिकंदर हो जाता है। जी,
इसी के साथ कर्नल अजय जी, देख रहे हैं कि यहाँ पे कैस्टर में भी कुछ बढ़त देखने को मिली है, एनसीडीएक्स पर देख रहे हैं कि कैस्टर एक बार फिर से 7,000 के पार निकल चुका है, आपकी क्या राय रहेगी, क्या अब कैस्टर में यहाँ से और मजबूती के आसार कुछ बनते नजर आ रहे हैं? यानी आरएनडी के अंदर मुझे तेजी लगती है और ये ऑल टाइम हाई भी है, और इसके अंदर आप जो यहाँ तक प्रोडक्शन का सवाल है और स्टॉक का सवाल है, पोजीशन टाइट है और इसके अंदर तेजी बनी रहने की संभावना बन सकती है, आज के दिन कैस्टर के अंदर अच्छी तेजी बन सकती है। जी अखिलेश जी, जी इसी के साथ कर्नल अजय जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल देख रहे हैं कि 3,000 के लेवल्स के दायरे में ही घूम रहा है एनसीडीएक्स पर काफी समय से, आपको क्या लगता है क्या बिनौला खल में अब यहां से कुछ तेजी बन पाएगी? देखिए बिनौला खल का जो सीधा संबंध कॉटन से होता है, रूप से होता है, कॉटन के अंदर जो सीसीआई ने जो अभी रिवाइज रिपोर्ट की है उसके अंदर 5,00,000 गाठें और घटाई है और ये 3,43,00,000 गाठ की बात है। और आपको याद होगा सितंबर अक्टूबर में जब खरीफ की फसल आई थी उस टाइम भी हमने कॉटन के ऊपर यही कहा था कि जो ये 3,61,00,000 गाठ की बात कर रहे हैं के हिसाब से मुझे इसमें ठीक नहीं लगता, क्योंकि मौसम ने भी खराबी की है, बेमौसम बरसात सितंबर अक्टूबर के अंदर कॉटन के अंदर काफी परेशानी करी, इसके बाद में फिर उसका पिंक बॉम्ब जो है गुलाबी सूंडर है उसने भी फसलों को नुकसान पहुंचाया, और ये जो 3,61,00,000 की जो बेल्स की जो एक गणित है, ये गणित के ऊपर हमने पहले भी प्रश्न उठाया था, आज फिर आपको दोबारा फरवरी मार्च के अंदर दोबारा मैं कह रहा हूँ कि ये इसके अंदर इतनी गांठें आने की संभावना नहीं है, और इस साल लगभग 20-22% के तकरीबन फसलों को नुकसान होने की उम्मीद है हमारे गणित के हिसाब से, तो कुल मिला के इसके अंदर शॉर्टेज ही है। एक दूसरा जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी कॉटन की प्राइस लगातार तेजी की तरफ है, उसके अंदर 129 तक ये गई थी आईसी में, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कुछ करेक्शन होता है ऊपर नीचे का, लेकिन कुल मिला के इसके अंदर कॉटन के अंदर परेशानियां है, इसके अंदर पूरा माल नहीं है। और एक और विशेष बात है कि कॉटन के अंदर जो किसान के पास एक ए ग्रेड की क्वालिटी और बी ग्रेड की क्वालिटी का जो माल है कॉटन का, वो किसान अच्छे भावों में बेचने की उम्मीद से उसको बाजार में भी कम ला रहे हैं, क्योंकि नई फसल आने में भी 6-7 महीने बाकी है, तो इसका पूरा फायदा किसान उठाना चाहता है। और एक और महत्वपूर्ण बात है, सीसीआई के पास में जो पिछला क्लोजिंग स्टॉक था इस बार वो क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है, तो कुल मिला के पोजिशन टाइट ही है। अब पॉइंट ये है कि जब कॉटन बाजार में कंपैरेटिवली कम होगी तो उसके उस दशा के अंदर बिनौला कहाँ से निकलेगा, और बिनौला नहीं निकलेगा तो उतनी क्वांटिटी में तो उसकी खल कहाँ से बनेगी, तो ये फंडामेंटल समझना जरूरी है। अब इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि पशु आहार है ये बिनौला खल, यदि एक सीमा से बहुत अधिक ऊपर जाएगा तो फिर किसान उसके अंदर अल्टरनेट ढूंढने लगते हैं, दूसरी चीज उसके अंदर मिक्स करने लगते हैं, तो कपास या खली के अंदर ये जो लेबल्स है इन लेबल्स के ऊपर बाई करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर मैं आपको कहूंगा कपास या खली जैसी चीजें, क्योंकि अब क्योंकि ऑयल सीड्स बाजारों से एनसीडीएक्स से हट चुका है, रिफाइंड ऑयल हट गया है, पाम ऑयल हट गया है, तो इसके अंदर कुछ ही कमोडिटीज बची हैं जिसके अंदर लोग इसके अंदर अच्छी क्वांटिटी अंदर बाइंग सेलिंग करके कमाते हैं, तो उसमें कपास खली भी एक है जिसे कॉटन सीड ऑयल के कहते हैं। तो इंटरडे के अंदर मुझे लगता है कि आज कपास खली के अंदर तेजी की संभावनाएं बन सकती है, निचले स्तर पर लिए जा सकती है। जी अखिलेश जी, जी कर्नल अजय जी, इसी के साथ कर्नल अजय जी बात करें यहाँ से अगर नॉन एग्री कम्युनिटीज की, तो देख रहे हैं कि कच्चा तेल काफी ज्यादा तेजी के साथ है, $110 के भी पार जा चुका है, ऑल टाइम हाई लग चुका है कच्चे तेल की कीमतों में, और सोने चांदी में भी देख रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतों का असर, जियोपॉलिटिकल टेंशन का असर सोने चांदी की कीमतों पर भी है। सबसे पहले सोने चांदी पर व्यू जानना चाहूंगा कर्नल अजय जी आपका, अब जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते सोने चांदी की अब यहाँ से क्या आगे चल रहेगी? देखिए आपको पिछले शो में भी हमने कहा था कि जियोपॉलिटिकल टेंशन और जियो इकोनॉमिकल टेंशन जब भी बढ़ते हैं तो इसका सीधा संबंध बुलियन से हो जाता है और क्रिप्टो करेंसी और बुलियन के अंदर तेजी आ जाती है, और वैसा हुआ भी, 8,000 से ऊपर ने कल बाजार दिखाया और सोने के अंदर भी जबरदस्त तेजी रही। मुझे लगता है कि अब सोने और चांदी के अंदर इतनी बड़ी तेजी के बाद एक वॉलेटिलिटी कभी भी बन सकती है, तो इससे बच के चलना चाहिए आने वाले 2-3 दिन के अंदर। जी अखिलेश जी, जी कर्नल अजय जी
बात करें कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में आपको क्या लग रहा है, क्या कच्चे तेल यहां से अभी और तेजी की ओर जा सकता है? $110 तो दिखा चुके हैं और जो विदेशी बैंक है वो $150 प्रति बैरल का अनुमान लगा रहे हैं, तो क्या आपके अकॉर्डिंग भी कच्चे तेल यहां तक जा सकता है? देखिए, पिछला जो हाई था वो $147 का था, मुझे लगता है कच्चे तेल के अंदर बेताशा तेजी है और जब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशन काबू में नहीं आता तो उस टाइम कच्चे तेल के अंदर मैं नेचुरल गैस के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा दाव लगाने की सोचूंगा, क्योंकि रशिया एक बहुत सबसे बड़ा नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री है और जो यूरोप को जो सारा जो गैस का जो सप्लाई होता है वो रशिया करता है, और यूरोप में लड़ाई के अंदर जैसे जैसे ये एक आध दिन और आगे निकलेंगे ये सिचुएशन टेंस होती जाएगी और उसके अंदर काफी परेशानियां भी बढ़ सकती है, और जो ये गैस लाइन है वो यूक्रेन को होते ही समुद्र से जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी बहुत थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। लेकिन कच्चे तेल के अंदर जब इन लेवल्स के ऊपर बड़ी खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इसके लिए तो यदि कोई काम कर रहा है इसके अंदर तो उसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए तो ही काम करना चाहिए, अन्यथा एक नेक्स्ट हॉल्स लेने के अंदर थोड़ा सा बचना चाहिए। जी अखिलेश जी, इसी के साथ कर्नल जी बात करें अगर स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में आपको क्या लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन का असर भी अब स्टॉक मार्केट पर देखने को मिला है, स्टॉक मार्केट भी कहीं ना कहीं मंदी की ओर ही है, ऐसे में आपको क्या लगता है अब आगे स्टॉक मार्केट में कैसा रुझान रहेगा और आज किन स्टॉक्स में कितनी मंदी तेजी रहेगी? स्टॉक मार्केट में देखिए, जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल टेंशन का नतीजा आपके सामने है, खासकर बैंकिंग स्टॉक्स बहुत बुरी तरह से फिट रहे हैं, चाहे ग्लोबल लेवल के ऊपर, चाहे रशिया का स्टॉक मार्केट हो, अमेरिकन मार्केट हो, यूरोपियन मार्केट हो, एशियन मार्केट हो, जिनमें लाल निशान है, और विशेषकर बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर काफी परेशानियां आ रही है, और विशेषकर जो HDFC और ICICI के जो अमेरिकन डिपॉजिटरी है ADRs है उसके अंदर भी 8-10% की गिरावट है। इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि अभी बाजारों में गिरावट और रह सकती है, खासकर बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर गिरावट रह सकती है, लेकिन इस गिरते बाजारों के अंदर कुछ स्टॉक्स ऐसे नहीं है जिसके अंदर मुनाफा मिल सकता है। आपको याद होगा पिछले शो में हमने हिंडाल्को, वेदांता और टाटा स्टील और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स के ऊपर नजर रखने के लिए कहा था कि स्टॉक्स समझ सकते हैं, और वैसे ही कुछ बाजारों में हो रहा है कि देखिए मेटल स्टॉक्स के अंदर सिंडालको ने 6-7% की तेजी दिखाई है, टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान कॉपर और हिंडालको ये अच्छी मूवमेंट दे रहे हैं, तो इनके अंदर मुझे लगता है कि इसके अंदर और तेजी बन सकती है, और जिन दर्शकों ने हमारा पहले शो देखा होगा वो आनंद हो रहे होंगे, ये ऐसी मेरी उम्मीद है। जी अखिलेश जी, जी तो आज कुछ ऐसा रह सकता है स्टॉक मार्केट, कम्युनिटी बाजार और आज आपका राशिफल। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल बाजारों के सितारे में अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।